प्रमाण पत्र ले लीजिए। जो लाल तालियों से आपका स्वागत के लिए बहुत दूर से रेसुल हसन जी आए हुए हैं हमारे गोंडा में। इसी क्रम में ग्रामोद्योग के प्राप्त कर लें। इधर देखिए जेपी फूड प्रोडक्ट वो भी आ जाए। जोरदार तालियों से इन उद्यमियों का आप लोग स्वागत करिए। ये हमारी बहन जी भी आ गई है, एकता महिला स्वयं सहायता समूह इधर देखिएगा, अमेठी से आई है, राहुल गांधी जी के क्षेत्र से चल करके और माननीय स्मृति रानी जी के क्षेत्र से चल करके आई है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी जी के क्षेत्र से आई है, इसलिए इनका हम अपने से गांव-गांव के घर घर तक पहुंचे, ये सरकार की कोशिश है। अभी मेरी बाई और आप एक माटी कला बोर्ड का गठन हुआ है, जिसमें प्रजापति समाज के लोगों को फिर से पुनः उनको जीर्णोद्धार मिले। दिवाली में दिए गायब हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन से कप गायब हो रहा है, धीरे धीरे प्लास्टिक जगह ले रहा है, धीरे धीरे प्लास्टिक जगह ले रहा है। तो सरकार ने योगी जी की कोशिश की कि पुनः कुल्हड़ वापस लाया जाए और प्रकृति के करीब सबसे जुड़ी ये प्रजापति समाज इनको एक सम्मान देने का, रोजगार देने का एक अवसर दे रहे हैं। मैं एक बात अपनी कम शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से हमारा समाज उन्नति कर रहा है, पर आने वाला भविष्य हाथ से काम करने वालों के लिए बहुत उज्जवल हो सकता है। हमारे देश में जो हाथ से दर्जी काम करते हैं उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हाथ से कुम्हार काम करते हैं, सुनार काम करते हैं, उसके बजाय लोग मशीन को प्रेफर करते हैं, जबकि विदेशों में, अन्य सभी विकसित देशों में हाथ से बने कपड़े बड़े महंगे होते हैं, हाथ से किए गए शिल्पकारी के कार्य बड़े महंगे होते हैं, हाथ से बुनी रजाई बड़ी महंगी होती है, हाथ से बनी सदरी बहुत महंगी होती है। और धीरे धीरे जमाना उसी का आ रहा है कि जो हाथ से बना है वो किसी के मेहनत से, किसी के लगन से, किसी के प्यार से बना है, और उसी पूरे हाथ जो पूरे मानव के द्वारा जो निर्मित एक इकाई हो सकती है, जिसमें ग्राम उद्योग है, खादी का जो गांधी जी के स्वप्न के हिसाब से एक पूरा उद्योग चल रहा है।